हेलो एवरीवन, दिस इज वहीद फ्रॉम ट्राइटेको। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में अपने पेज पे ये कुछ कंटेंट ऐड किया था एलिमेंटरी की हेल्प से। ये देखें, तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एडिट विद एलिमेंटर में जाता हूँ। तो ये हमारा एलिमेंटर पैनल ओपन हो गया। इधर हमने ये प्लगइन कर लिए थे और अभी नीचे वाले देखते हैं ये स्पेसर और डिवाइडर क्या होता है। देखिए, ये जो स्पेसर है ये सिंपली स्पेस लेने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ इस वीडियो और इस टेक्स्ट के बीच में स्पेस आए, तो मैं इसको ड्रैग करके इनके बीच में ड्रॉप कर दूंगा। ये देखें, इनके बीच में स्पेस आ गई है। तो ये स्पेस हमने कितनी लेनी है, ये हमने इधर से सेट करनी है। ये देखिए, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो स्पेस बढ़ रही है इनके अंदर। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो स्पेस कम हो रही है। ठीक है, जैसे आप अपनी मर्जी की स्पेस ले सकती हैं स्पेसर की हेल्प से। और इसका स्टाइल है ही नहीं, सिर्फ एडवांस है, तो एडवांस हमने अभी नहीं करना। दोबारा हम अपने विजेट्स में जाते हैं। उसके साथ है डिवाइडर। डिवाइडर सिंपली सिर्फ एक लाइन लगाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर एक लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं डिवाइडर को ड्रॉप इधर से ड्रैग करूंगा और इधर आके ड्रॉप कर दूंगा। तो ये देखें, एक लाइन लग गई है। इस लाइन को हमने कितने परसेंट लगाना है ये हम इधर से सेट करते हैं। ये देखें, अभी 37% है, तो ये 37% विड्थ पे लाइन है, बाकी जगह पे नहीं है। इसी तरह हम जितनी भी इधर सेट करेंगे ये उतनी जगह पे लाइन आएगी। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने 50 पे सेट कर दिया। और नीचे अलाइनमेंट, कि आपने अलाइनमेंट इसकी कहाँ पे रखनी है, लेफ्ट सेंटर या राइट। ठीक है, ये किसके ऊपर भी ऑप्शन है, ये जो मैंने छोड़ दिया लेकिन गलती से छोड़ गया मुझसे। यहाँ पे सॉलिड, डबल, डॉटेड, ये वही हैं जो हमने अपने बॉर्डर्स में देखे थे, वही चीजें हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस इसमें थोड़े ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि एरोज। तो ये देखें, एरो लग गए। इसी तरह और भी काफी तरह के डिजाइन आ रहे हैं, तो आपको जो भी पसंद है आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ स्टाइलिस्ट के, इनके साथ आपने खेल लेना है और देख लेना है क्या करती हैं, ये किस तरह के डिजाइन है। अभी नीचे एक ऑप्शन है ऐड एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस लाइन के बीच में आपने कुछ एलिमेंट ऐड करना है। एलिमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने इधर इसके बीच में कोई टेक्स्ट ऐड करना है या कोई आइकन ऐड करना है। अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आपने इस पे क्लिक करना है। ये देखिए, इधर लिखा आ रहा है डिवाइडर, आप इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके बीच में ये लिख दिया। नीचे आ रहा है HTML टैग, ये सिर्फ HTML वालों के लिए है, इसको छोड़ दें। और अगर आप इसके बीच में कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप अपना आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आइकन लाइब्रेरी पे। तो यहाँ पे काफी सारे आइकन्स हैं, आप जो मर्जी आइकन सेलेक्ट करके उसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए, वो आइकन लग गया है। इसका स्टाइल देख लेते हैं, स्टाइल में वही कलर है और ये कलर डिवाइडर का है। देखिए, डिवाइडर का कलर चेंज हो गया। इसके साथ इसका वेट है, आपने इसको कितना वेट देना है, वेट का आपको पता है पहले से। ये देखिए, अभी वेट मैंने ज्यादा किया तो ये थोड़ा मोटा हो गया। नीचे इसका साइज है, ये देखिए इसका साइज। नीचे इसकी अमाउंट है, ये जो इसके कर्व्स हैं,
इनकी अमाउंट। इसी तरह नीचे गैप कि आपने इसके ऊपर और नीचे कितना गैप देना है। इसके नीचे आइकन है, तो आइकन में पहले नंबर पर है व्यू। व्यू में दो ऑप्शंस हैं, एक स्टैक्ड और एक फ्रेम्ड। स्टैक्ड में इस तरह आता है और फ्रेम्ड में ये इस तरह आता है। इसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं होता, सिर्फ बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, आप ऐसे जैसी मर्जी रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। नीचे इसका साइज है आइकन का, ये नीचे इसका कलर है, ये इसकी पोजीशन है कि आपने इसको लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन या फिर राइट लाइन करना है। इस तरह स्पेसिंग है, लेकिन जितनी मैं स्पेसिंग बढ़ा रहा हूं इसके दोनों तरफ स्पेस बढ़ रही है, लेफ्ट भी और राइट भी। इस तरह रोटेट, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूं। ये देखें, तो ये था डिवाइडर और साथ में स्पेसर। तो आज की क्लास में हमने ये दो देखे, तो इससे नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।